हाय एवरीवन, सबसे पहले तो नवरात्रि की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मुझे भी मुबारकबाद दे दो। आज मेरा बर्थडे है। पिछले दो बर्थडे हमने जेल में काटे, और आज उम्मीद है कि अपनी बीवी बच्चों और अम्मी जान और भाई बहनों के साथ गुजारूंगा। एक कंट्रोवर्सी क्रिएट की जा रही है कि इस दिन ये रिपोर्ट आई, चूँकि मीडिया ने बहुत हंगामा कर दिया, पूरे इंडिया में लोग, पूरे दुनिया में लोग बात करने लगे कि जिस लोगों को यकीन नहीं हो रहा था, जिस योगी सरकार ने डॉक्टर कफील को हत्यारा, कातिल, विलेन बनाया था, उसी ने कैसे ये कह दिया है कि डॉक्टर कफील हत्यारे नहीं हैं, गुनाहगार नहीं हैं। तो ये बता दूँ, जो तीन बातें हैं, पूरी रिपोर्ट के बारे में नहीं आज बताऊँगा, आपसे उस दिन बात कर चुका हूँ पूरी रिपोर्ट के बारे में। तीन बातें इस वक्त कंट्रोवर्सी क्रिएट की जा रही है। एक तो कि कहा जा रहा है कि इंक्वायरी रिपोर्ट उनको दी ही नहीं गई है, और डॉक्टर कफील कैसे ये बात कह सकते हैं। तो ये है इंक्वायरी रिपोर्ट, पूरी 15 पन्ने की रिपोर्ट है, और ये सरकार के द्वारा डॉक्टर गणेश कुमार, जो प्रिंसिपल बीआरडी मेडिकल कॉलेज है, उन्होंने मुझे दिया है, वो मीडिएटर हैं। और ये भी मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये बीआरडी मेडिकल कॉलेज की इंक्वायरी रिपोर्ट नहीं है, ये योगी सरकार के द्वारा अपनी कमेटी की शासन की रिपोर्ट है, डिपार्टमेंट इंक्वायरी की रिपोर्ट है। दूसरे ये क्रिएट किया जा रहा है, नहीं 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 नहीं, इनको पूरी छूट नहीं मिली है, दो आरोपों में बरी हैं, दो आरोपों में अभी भी आरोपी हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि ये योगी सरकार का प्रेरोगेटिव है कि ये रिपोर्ट को एक्सेप्ट करे कि ना करे। दो आरोपों में मुझे अभी भी बरी नहीं किया गया है, लेकिन वो जो दोनों आरोप हैं वो प्राइवेट प्रैक्टिस से रिलेटेड हैं। कहा जा रहा है कि 2013 में ये प्राइवेट प्रैक्टिस करते थे, एक पर्चा घुमाया जा रहा है वो, कि इस हॉस्पिटल में 2013 में ये प्राइवेट प्रैक्टिस करते थे। अरे भाई, घटना 2017 की है, 2013 में मैं क्या करता था, उसको लेके क्यों रो रहे हो। फिर कहा जा रहा है कि नहीं नहीं, ये तो प्राइवेट प्रैक्टिस करते थे जो है 8 अगस्त 2016 से पहले। तो ये रिपोर्ट मैं दिखाना चाहूँगा, जिसमें ये दिखेगा, लिखा हुआ है 8 अगस्त 2016 के बाद डॉक्टर कफील के ऊपर प्राइवेट प्रैक्टिस करने के कोई सबूत नहीं मिले हैं। और ये है मेरा अपॉइंटमेंट लेटर, आप डेट देखिएगा, इस पर 8 अगस्त 2016 की डेट लिखी है। मैंने यूपी गवर्नमेंट की जॉब 8 अगस्त 2016 को ज्वाइन की है, उससे पहले मैं क्या करता था, क्या नहीं करता था, उसके आयोगी सरकार को से क्या मतलब है। तीसरी कंट्रोवर्सी ये क्रिएट की जा रही है कि डॉक्टर कफील ने जो 30 दिन के अंदर मैं सीएमओ को सूचना देनी थी, उन्होंने नहीं दी। तो आपको बहरहाल ये सारे जो जुमले हैं वो सिर्फ इसलिए फेंके जा रहे हैं कि लोग कंफ्यूज हो जाएं, लोग जो हैं क्वेश्चन फिर से करने लगे। जैसे मुझे ये पच नहीं रहा था कि ये लास्ट पेज, जिसे मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था कि कैसे योगी सरकार ने जो है मुझे क्लीन चिट दे दी है, वैसे ही योगी सरकार को भी नहीं समझ में आ रहा हुआ कैसे उनके अधिकारी ने ये सारी क्लीन चिट दे दी है। हाँ, तो ये लिखा हुआ है हिमांशु कुमार सर ने ही, कि डॉक्टर कफील को 10 अगस्त 2016 को सीएमओ ने मेडिकल फिटनेस दिया। तो 10 अगस्त 2016 को ही मैंने इन्फॉर्म कर दिया था। तो ये तीनों कंट्रोवर्सी बार बार क्रिएट की जा रही है, बहकावे में ना आए, लोगों के बेवकूफ़ी भरी बातों में ना आए, और इस बात को समझे कि वो जो 70 बच्चे मर गए थे, उनके पेरेंट्स आज भी जस्टिस के लिए भटक रहे हैं। जो माँ अपने पेट में 9 महीने बच्चे को रखती है, वो आज भी रो रही है, वो चाह रही है कि उसे भी जस्टिस मिले। तो मैं आपको डॉक्टर कफील खान ये भरोसा दिलाता हूँ कि ये संघर्ष जारी रहेगा जब तक बीआरडी के रियल कल्प्रिट, रियल हत्यारे, और जिन्होंने सही में इन बच्चों को मारा है, उनको सजा ना हो, और उन 70 बच्चों के माँ बाप को कंपनसेशन ना मिले, और योगी गवर्नमेंट पब्लिकली इस बात को स्वीकारे कि हाँ, उसकी वजह से इतने बच्चों की मौत हुई है। शुक्रिया।